सोनपुर के हरियर क्षेत्र मेला ग्राउंड के बहुत ही सेंट्रल प्लेस पर 29/11 को यानी 29 नवंबर को हम लोगों ने इसका आयोजन किया। जैसा कि आप लोगों को पता चलता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ही हम लोग इसको चलाते हैं और एक महीने तक लगातार वहां पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस वर्ष इसका उद्घाटन श्री ए के अम्बेडकर पुलिस महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के द्वारा इसका किया गया, जिसमें सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे और अन्य सभी रैंक के पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बिहार पुलिस के द्वारा जो प्रदर्शनी इस बार लगाई गई है उसमें डायल 112, सेवा, यातायात, बिहार पुलिस एकेडमी, मद्य निषेध, साइबर, महिला अपराध, मद्य निषेध के अलावा नारकोटिक्स, जाली नोट और इस तरह के बहुत सारी जो तकनीक हैं जहाँ पर हम लोग प्रयोग में लाते हैं उनका भी हमने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। उसके अलावा फायर से बचने के लिए जो हमारे अग्निशमन विभाग है उसकी भी प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई है, नागरिक सुरक्षा के संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई है और बहुत सारी प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई हैं। आम जनता के लिए सुलभ जो है वो पैम्पलेट भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रेस वार्ता के बाद, वो भी हम लोगों ने वहाँ पर लगाया। इस बार की प्रदर्शनी में सबसे बड़ा एक बदलाव किया गया, वो बदलाव ये किया गया कि अब आधुनिक तकनीक से जुड़ते हुए हम लोगों ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया और इसमें बहुत सारी हमारी थीम है जिस पर पुलिस अधीक्षक या तो सोनपुर मेला में आएंगे और वहाँ से बैठ के जनता के साथ संवाद करेंगे या अपने अपने कार्यालय से सीधे वो जनसंवाद करेंगे और उनके इस संवाद को हम लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे जिससे अधिक आम जनता के बीच में वो संवाद हो सके। फेसबुक लाइव के पुलिस अधीक्षक रोहतास वर्चुअल मोड में रहेंगे और ये पब्लिक कोऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू कम्युनल हार्मनी यानी कि जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता है उससे बनाए रखने के लिए किस तरह से नागरिकों से कार्रवाई अपेक्षित है वो कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से आज 1 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक गोपालगंज वर्चुअल मोड में और पुलिस अधीक्षक खगड़िया वर्चुअल मोड में आज वार्तालाप करेंगे, जिसमें कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध और हेल्प डेस्क जो हमने बनाया उसके बारे में किस तरीके से कार्रवाई उनके ज़िले में की जा रही है, बिहार पुलिस के द्वारा क्या तैयारी है उसके बारे में आम जनता को बताएंगे। इसी तरह से कल यानी 2 दिसंबर को जो आने वाला है उसमें अवेयरनेस बिल्डिंग रिगार्डिंग साइबर क्राइम के संबंध में पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई और पुलिस अधीक्षक बेतिया जनसंवाद करेंगे। लैंड डिस्प्यूट्स यानी भूमि विवाद के संबंध में पुलिस अधीक्षक मोतिहारी कल संवाद करेंगे। 3 तारीख को ERSS डायल 112 के बारे में पुलिस अधीक्षक ERSS और सिटी सेंट्रल एसपी पटना संवाद करेंगे। इसका पूरा चार्ट है, मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया और प्रेस में आप पूरा चार्ट इसको उपलब्ध करा दें जिससे आम जनता को पता चले कि कौन सा सेशन कब होने वाला है, अपनी रुचि के अनुसार वो लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। तो ये इस बार बहुत ही नया परिवर्तन किया गया है जिसमें फिजिकली सोनपुर मेला में जो लोग जाते हैं वो हमारी प्रदर्शनी में निश्चित रूप से जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी वर्चुअल संवाद करके वर्चुअल तरीके से भी लोगों के बीच उपस्थित हो रहे हैं। मैं आपको केवल इतना बता दूं कि कल, आज तो चल रहा है कार्यक्रम, कल 30 तारीख को जो पुलिस अधीक्षक यातायात के द्वारा यातायात नियमों से लोगों को अवगत कराया गया उसमें काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने वहाँ पर उपस्थित होकर उसको सुना और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्रसारण को करीब 12,000 लोगों के द्वारा देखा। तो इस प्रकार से लगातार लोग बिहार पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और हमारी जो जन उपयोगी और जनता के मदद के लिए जो हमारे संवाद हो रहे हैं एक महीने तक ये लगातार चलेगा उससे भी जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कई लोगों ने ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी।
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।